नमस्ते बहनों भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ एशिया भर के चहीते रेडियो प्रोग्राम बिना का गीतमाला की कहानी। जब 1951 में रेडियो सिलोन के लिए बंबई में स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रिकॉर्ड होना शुरू हुए तो उन प्रोग्रामों से मेरी राहें दो तरह से जुड़ी। उन प्रोग्रामों के लिए प्रोग्राम डायरेक्टर थे हमीद सायानी साहब, जो न सिर्फ मेरे बड़े भाई थे बल्कि ब्रॉडकास्टिंग में मेरे गुरु भी थे। मगर हमीद भाई चाहते थे कि मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दूं। मैंने पढ़ाई से ज्यादा कॉलेज पर ध्यान दिया क्योंकि वो था बंबई का सेंट जेवियर्स कॉलेज, जिसके टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ही रेडियो सिलोन के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ करते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब जरूरत महसूस की गई एक ऐसे नौसिखिए कम उम्र नौजवान की, जो कि बिना का टूथपेस्ट बनाने वाली सीवा कंपनी के लिए आधे घंटे का एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लिखे भी, प्रोड्यूस भी करे, बोले भी और साथ ही साथ सुनने वालों के भेजे हुए पत्र भी छाटे और जांचे। बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था वो, लिहाजा उस काम के लिए चुना गया मुझे, क्योंकि रेडियो सिलोन के प्रोग्रामों से संबंध रखने वालों में सबसे जूनियर मैं ही था। और यूं 1952 के आखिर में शुरू हुई बिना का गीतमाला। उन दिनों बिना का गीतमाला आधे घंटे का प्रोग्राम हुआ करता था। हर हफ्ते 7 अलग गाने बजते थे और सुनने वालों से कहा जाता था कि उन्हें वो लोकप्रियता का क्रम दे।